हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी टर्किश स्वीट्स रेसिपी। तो टर्किश स्वीट्स रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ये मैंने सूजी ली हुई है 80 ग्राम, ये मैंने 2 चम्मच बटर लिया हुआ है, इधर मैंने ली हुई है ये 250 ग्राम मैदा, यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया हुआ है जिसको 2 भाग में मैंने कट कर लिया है, ये मैंने लिया हुआ है इलायची पाउडर, ये भी आधा चम्मच से थोड़ा ही कम है, ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पर चीनी, तो चीनी 1 कप लिया हुआ है मैंने, और ये मैंने 2 गिलास पानी लिया हुआ है। तो एक गिलास के पानी को हम यूज़ करेंगे चाशनी बनाने में, और 1 गिलास के पानी को हम यूज़ करेंगे बैटर बनाने के लिए। तो चलिए पहले हम बनाएंगे बैटर। तो इधर मैंने एक ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम 1 गिलास पानी, और गैस को कर लेंगे ऑन, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें बटर जो हमने लिया हुआ है। अब हम बटर का मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है उसको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। ये देखिए बटर मेल्ट होने लग गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको अच्छे से चलाती रहूँगी 1 चम्मच लेके। इस तरह से हम सारी मैदा इसमें डाल लेंगे, और हमें इसको चलाते ही रहना है जिससे नीचे ना लगे कढ़ाई में। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और सूजी, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर अब ठंडा भी हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया है, और हमने इसे अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे थोड़ा, जिससे केक में आसानी से भरा जाए। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे जिससे ये कीट में से आसानी से निकल सके। तो अब इसको रख देते हैं एक साइड, और अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टी पैन। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। अब हम इसमें 1 उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। ये देखिए चाशनी में अब उबाल आ चुका है और चीनी भी सारी डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने इलायची पाउडर लिया हुआ था, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें नींबू के 2 टुकड़े जो हमने काट के लिए हुए थे। अब हम चाशनी में 2-3 उबाल अच्छे से आने देंगे, फिर चाशनी को हम चेक करेंगे। 2-3 उबाल आ चुके हैं चाशनी में। अब हम अपनी उंगलियों से थोड़ा सा सिरप लेके चेक करेंगे। अगर सिरप उंगलियों में चिपक रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनके रेडी है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सिरप अच्छे से चिपक रहा है उंगलियों में तो इसका मतलब हमारी चाशनी अब बन के रेडी है। अब हम चाशनी को उतार लेंगे। इधर मैंने ये केक बनाया हुआ है, इस तरह का हम केक बनाएंगे, और इसमें सारा मिक्सर हम भर लेंगे जो हमने बनाया हुआ है। इस तरह से हम सारे मीठे पारे बना लेंगे, और इनको निकाल कर अब हम चाशनी में डालेंगे। इस तरह से हम सारे मीठे पारों को अच्छे से चाशनी में डुबोलेंगे।
5 मिनट इनको रखेंगे। अभी हम 5 मिनट चाशनी में रखे हुए हो गए हैं इनको, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इधर मैंने ये चाशनी में से थोड़ा सा ये सिरप ले लिया था, ये कप में मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला हुआ है थोड़ा सा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, तो इसको मैं अब ऊपर से डालूंगी इन पे इस तरह से। और थोड़ा सा लिया हुआ है मैंने पिस्ता, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको मैं गार्निश करूंगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? आप भी मेरी इस न्यू रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।